फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आज सऊदी अरब अपना दूसरा मैच पोलैंड के खिलाफ खेलेगा। सऊदी अरब की कौमी फुटबॉल टीम ने मंगल के रोज वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच में अर्जेंटीना के खिलाफ जीत हासिल करके एक तारीखी रकम की थी। खतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब अपने ग्रुप का दूसरा मैच आज बरोज हफ्ता पोलैंड के खिलाफ खेलेगा। ये मैच आज सऊदी वक्त के मुताबिक 4 बजे और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन फ्लैंकर्स ने दोहे के अल मदीना स्टेडियम में होने वाले इस अहम मुकाबले की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। वाज़ेह है कि सऊदी टीम ग्रुप सी में है, जिसके साथ अर्जेंटीना, मैक्सिको और पोलैंड हैं। सऊदी टीम के कैप्टन सलमान अल्फराज और रियाज शेरहाली ने, जो अर्जेंटीना के मैच में जख्मी हो गए थे, मेडिकल अमले की निगरानी में तरबियती सेशंस में हिस्सा लिया। सऊदी कौमी फुटबॉल टीम के फ्रांसीसी कोच ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब वर्ल्ड कप के आइंदा मरहलों के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पोलैंड के कौमी फुटबॉल टीम के साबिका ट्रेनर का कहना है कि सऊदी कौमी टीम के साथ मैच बहुत अहम है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आगे बढ़ना या बाहर होने के हवाले से फैसला कुन है। ख्याल रहे कि इस वक्त सऊदी अरब की फुटबॉल टीम आलमी रैंकिंग में 51वें नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।